हेलो एंड वेलकम टू चैनल द स्ट्रॉन्ग लर्नर। माय नेम सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की बायो। आज हमारा जो है टिश्यू का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है इंडेक्स क्वेश्चन या जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करके हम चैप्टर को खत्म करेंगे और चैप्टर का जो है सारा पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंडेक्स क्वेश्चन पे जाएंगे। पेज नंबर 68 पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन एक दिया है, व्हाट इज टिश्यू। तो ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने ये पहले वाले लेक्चर में बहुत ही लवरेट वे में हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ये भी अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था और मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद करें। अगर कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगे कि जिसमें मैंने शायद कम बोला हो या मैंने नहीं बोला हो तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बाकी जो मैंने पढ़ाया है आप उनको क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देख लिया है। अगर नहीं याद है तो फिर से जाके लेक्चर को देखें, टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ के फिर से आ जाएं इस वाले लेक्चर पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हैं वो है हमारे पेज नंबर 73 पे हमारे कोई क्वेश्चन दिए गए हैं, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यू के प्लांट में जो सिंपल टिश्यू है उनके नाम बोलने हैं आपको, पैरेन्केमा, पोलेन्केमा, सेग्लेन्केमा, सिंपल सी चीज है। वेयर आर द एपिकल मेरिसेम्स फाउंड। एपिकल मेरिसेम्स कहाँ होते हैं, नेम से ही एपिकल दिया है तो एपिक्स पे होंगे, रूट एंड शूट एपिक्स पे होते हैं एक्स्ट्रा। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ये सेग्लेन्केमा होता है हस्क ऑफ कोकोनट में। वट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं और क्या क्या हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने फाइव लिखवाए थे, सीव ट्यूब, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्केमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन है और हमने ये इलाबोरेट वे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन दिए हैं लास्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 77 पे अगर हम देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। वो टिश्यू बोल रहा है जो मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी के लिए रेस्पॉन्स है, कौन सा टिश्यू है। ठीक, मूवमेंट के लिए हमारा जो है एक तो मसल्स है एंड बोन्स है, वो कंबाइंड टिश्यू जो है वो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्पेशली यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू का हम जिक्र करेंगे क्योंकि मस्कुलर टिश्यू ही मसल्स हमें जो है मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन वो कैसे दिखती है, यहाँ पे अब याद होगा हमने लास्ट वाले लेक्चर में न्यूरॉन डिस्कस की थी और न्यूरॉन की शेप आप खुद बना सकते हो, आप ये खुद लिख सकते हो। गिव थ्री फीचर्स ऑफ अ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के तीन फीचर आपको बताने हैं। अगर आपको लेक्चर याद होगा तो कार्डियक फीचर के हमने 5-6 फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, आप 3 इजीली लिख सकते हो। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू की क्या फंक्शन है, अगर आपको याद होगा हमने लास्ट वाले लेक्चर में यही किया था, एरियोलर टिश्यू एंड कनेक्ट जो नर्वस टिश्यू हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कनेक्ट टिश्यू में एरियोलर टिश्यू डिस्कस किया था। और आपको अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो इजीली ये भी हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप खुद कर लोगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू, नेम देम। सिंपल सा टिश्यू, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड मैं श्योर हूं इस बात से कि आप ये इजीली कर सकते हो। अगर आपने लेक्चर को एक बार देख लिया है आराम से तो ये आप इजीली कर सकते हो। हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। सिंपल टिश्यू कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंट, ये आपको पता होना चाहिए। वो पहले बन जाते हैं और जो फिर डिफरेंशिएट होकर बन जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। हमने ये डिस्कस किया है, इलाबोरेट वे में डिस्कस किए हैं, आप ये इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा सॉरी, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्केमा, कोलेन्केमा एंड सेग्लेन्केमा ऑन द बेस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेस में हमें डिफरेंशिएट करना है इन सबको। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था सेग्लेन्केमा जो है वहां पे सुब्रिन की डिपोजिशन होती है। अगर आपको याद होगा तो ये बातें हैं जैसे फिर हमने पेक्टिन एक्स्ट्रा लिग्निन की डिस्कशन वहां पे की थी। आप अगर आपने आपको याद है इजीली कर सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या फंक्शन है, गैस एक्सचेंज हो जाता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर से अंदर या अंदर से बाहर एंड ट्रांसपिरेशन में भी उसका रोल रहता है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। आपको डायग्रामेटिकली डायग्राम बनानी है, हमने तीनों की डायग्राम आपको बना के दिखाई थी बोर्ड पे, आपके टेक्स्ट पे भी तीनों की डायग्राम दिए हैं। सिंपल से डायग्राम है, जो स्केलेटल मसल होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, मल्टी न्यूक्लियेट होती है और अनब्रांच होती है। इसी तरह जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो स्पिंडल शेप्ड है, फ्यूसिफॉर्म शेप्ड होती है
एंड यूनिन्यूक्लिएट होती है, इसी तरह कार्डियक मसल ब्रांच भी होती है और वो यूनिन्यूक्लिएट होती है एक्सेट्रा। ये भी हमने डिस्कस किया था, इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल क्या है, वो रिदमिक जो मूवमेंट होती है, कंट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, वो कॉन्स्टेंट वे में और कॉन्स्टेंट रेट पे, एंड वो जो फिर एक साथ सब कंट्रैक्ट करते हैं, वो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। ये भी आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर साइट लोकेशन इन द बॉडी। हमने डिस्कस किया था, एक लेक्चर इसी पे था, ये बी ऑफ, ये भी आप इजीली कर सकते हो। ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर याद होगा तो यहाँ पे हमने न्यूरॉन की जो है स्ट्रक्चर ड्रा की थी, क्वेश्चन वही है, उसको बनाना है तो इजीली बना सकते हो। नेम द फॉलोइंग, हमें कुछ चीजों का नाम बोलना है। टिश्यू दैट फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, अगर आपको याद होगा हमने बोला था बकल कैविटी में कौन सा टिश्यू होता है, याद अगर आपको होगा तो कंपाउंड एपिथीलियम की बात की थी हमने। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स इन ह्यूमंस, मसल्स टू बोन्स, टेंडन्स का अगर आपको जिक्र याद होगा तो मसल्स टू बोन्स वहां पे जो कनेक्ट करता है वो टेंडन्स होता है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स, कौन सा टिश्यू, साइलम की फ्लोएम। आपके पास 10 सेकंड्स है, आपको जल्द से इस क्वेश्चन को आंसर बोलना है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। यस, फ्लोएम, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और साइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। गुड, जिसने ठीक आंसर दिया था वो समझे कि उसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, और जिसने नहीं दिया वो जाके फिर से चैप्टर को टेक्स्ट से पढ़े और फिर से क्वेश्चन पे आ जाए। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, जल्दी से एरियोलर और एडिपोज। यस, एडिपोज टिश्यू जो है फैट स्टोर करता है। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, कौन सा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, बोन की ब्लड। यस, ब्लड है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू है, मुझे पता है कोई पिथिलियम नहीं बोलेगा, सब ही बोलेंगे यस, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। लास्ट वाला है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द फॉलोइंग, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, वेस्कुलर बंडल्स। स्किन में हमने एपिथेलियम पढ़ा था, ठीक। बार्क ऑफ ट्री में हमने बोला था परमानेंट टिश्यू होता है क्योंकि वहां पे सुपर डिपॉजिशन हो जाती है, आपको याद होगा ये वाला। बोन में हमने बोला था कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। लाइनिंग ऑफ किडनी ऑफ ट्यूब्यूल्स, वहां पे कौन सा होता है, क्यूबॉइडल, अगर आपको याद होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल में साइलम और फ्लोएम होता है, वो परमानेंट टिश्यू होता है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, पैरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमने आपको बोला था मेजोरिटी ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो पैरेन्काइमा ही क्रिएट करता है, वहां पे पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, एपिडर्मिस का क्या रोल है। एपिडर्मिस जो है होल प्लांट बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्शन यही देता है, जैसे खेलसी के थ्रू होता है, यही ट्रांसपरेशन की, ट्रांसपरेशन कम करता है क्यूटिकल क्लियर फॉर्मेशन के बाद। यहाँ पे रूट्स, हेयर्स, ट्राइकोम जो है क्रिएट होते हैं और वो ट्रांसपरेशन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं या वाटर एब्जॉर्बन में मदद करते हैं, सब हमने पढ़ा है, इजीली कर सकते हो। हाउ डज द कॉक एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉक कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है एक्ट करता है। उसमें सुब्रिन की डिपॉजिशन होती है जो गैसियस एंड वाटर इम्परमियस होता है, वो न तो गैस को ही अंदर छोड़, अंदर ट्रांसपोर्ट जो है गैस ना उसके थ्रू जा सकता है और ना ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि उसमें सुब्रिन की डिपॉजिशन हो जाती है। लास्ट पे हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, परमानेंट टिश्यू यहाँ पे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमें क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स में है जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है टिश्यूज खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला चैप्टर जो हम डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे, और अभी तक के जो दो हमें दो चैप्टर्स जो भी खत्म हुए हैं उनमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो को शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके क्लास में हैं या आपके क्लासमेट्स आपके स्कूल मेट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। बाकी हमारे लिए एक कमेंट छोड़ के जाइएगा जिससे हमें ये पता चले कि आप हमसे और क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट चाहिए आपको और किस तरह की इंप्रूवमेंट आप हमें चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करके जाएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट।